नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से आपका NIOS के स्टूडियो में स्वागत करती हूं। आज आपसे चर्चा का विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान में आकलन हेतु रूब्रिक का निर्माण, एक प्रदर्शन। सामाजिक विज्ञान में आकलन। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के समय विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है और सामाजिक विज्ञान शिक्षण गतिविधि आधारित, सहभागितापूर्ण और आनंददायक होता है, जो शिक्षार्थियों को सामाजिक मुद्दों को समझने में सहायता करता है। विभिन्न निर्देशपरक रणनीतियों और अधिगम के संसाधनों का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अधिगम बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कैसे सुनिश्चित करें कि छात्र को अधिगम संप्राप्ति हो रही है या नहीं? इसके लिए वह शिक्षण के दौरान छात्रों से कुछ प्रश्न पूछता है, गृह कार्य देता है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे कि क्विज कराना, यूनिट टेस्ट और टर्म एंड टेस्ट इत्यादि। इन गतिविधियों के आधार पर वह बालक का आकलन और मूल्यांकन करता है। प्रस्तुत इकाई में हम सामाजिक विज्ञान में छात्रों के अधिगम का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों में से एक विधि रूब्रिक के विषय में बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन से संबंधित कई प्रश्न उठाती है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान अधिगम का क्या अर्थ है, सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, सामाजिक विज्ञान अधिगम की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। ये पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए और भी कुछ प्रश्न प्रस्तुत होते हैं कि क्या वे बच्चे की शिक्षा में वृद्धि कर रहे हैं जो कुछ हम उनको सिखा रहे हैं। क्या आप एक शिक्षक होने के नाते मूल्यांकन के कुछ वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं? तो अब बात करते हैं कि उनका जो आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो किस किस तरह से कर सकते हैं। जब हम आकलन की बात करते हैं तो आकलन दो प्रकार से होता है, योगात्मक आकलन और निर्माणात्मक आकलन, जिन्हें एक दूसरे से अलग माना जाता है क्योंकि उनका उपयोग अलग अलग तरीकों से भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीखने के लिए आकलन, और इसका जो मुख्य प्रयोजन होता है वो छात्रों की रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना होता है, जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करता है। दूसरी तरह का आकलन जो कि योगात्मक आकलन कहलाता है, जिसका तात्पर्य है सीखने का आकलन, इसका जो मुख्य प्रयोजन होता है वो है शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम बनाना, जिससे सीखने की अवधि एक सत्र भी हो सकती है और एक वर्ष भी हो सकती है। इसी प्रकार से जब हम योगात्मक आकलन की बात करते हैं तो उसका उपयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों के समक्ष जब हम तुलना करते हैं उसके लिए किया जाता है, लेकिन जब निर्माणात्मक आकलन की हम बात करते हैं तो उसका उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। इसी में हम आगे चर्चा करते हैं कि वैकल्पिक मूल्यांकन क्या है, यानी वैकल्पिक मूल्यांकन की प्रक्रिया ज्ञान निर्माण के रचनात्मक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऐसी प्रक्रियाओं की मौलिक ध्यान वास्तविक जीवन कार्य और गतिविधियों में रचनात्मक अभिव्यक्ति और प्रवीणता के लिए सीखने की क्षमता पर आधारित होता है। वर्तमान समय में शिक्षक द्वारा बनाए गए अभ्यास और मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके छात्रों के अधिगम आकलन का प्रयास किया जाता है। इन मूल्यांकन अभ्यासों का उपयोग जटिल समस्या निवारण और कौशल, विशिष्ट विचार और छात्रों के मध्य संचार कौशल के सहयोगी प्रयासों को मापने में भी किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में आकलन केवल कागज और पेंसिल परीक्षण तक ही सीमित नहीं होता है, जैसे कि नाटक, चित्र पढ़ने के
जो कार्य होते हैं, जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, पूर्व प्रशंसा, बच्चों के चित्रण और यहाँ तक कि बच्चों के साथ संवाद के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रदर्शन आधारित आकलन हेतु रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। रूब्रिक एक ऐसी युक्ति या उपकरण है जो शिक्षकों द्वारा कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। छात्रों के कार्यों में सततता के मूल्यांकन हेतु रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है, जो बहुविमीय दिशा निर्देशों का समूह होता है। आकलन या मूल्यांकन में रूब्रिक उपकरण मैट्रिक्स या ग्रिड के रूप में छात्रों के ग्रेड की व्याख्या करने में किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रिड के रूप में किस तरह से रूब्रिक को हम तैयार कर सकते हैं। इसके क्षैतिज अक्ष में मानदंड लिखे जाते हैं और लंबवत अक्ष में ग्रेडिंग लिखी जाती है। अब बात करते हैं रूब्रिक की क्या विशेषताएं होती हैं। जब हम रूब्रिक की बात करते हैं तो एक रूब्रिक पाठ्यचर्या गतिविधियों और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों सहित किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन के आकलन के लिए एक अंकन या हम कह सकते हैं कि स्कोरिंग टूल होता है। ये सीखने के उद्देश्यों से संबंधित मानदंडों और मानकों का एक सेट है जिसका प्रयोग छात्रों के दत्त कार्य यानी असाइनमेंट का आकलन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक मानदंडों के अनुसार मानक मूल्यांकन की अनुमति देते हैं, ग्रेडिंग को सरल और अधिक पारदर्शी बनाते हैं। ये एक स्कोरिंग गाइड है जो एक संख्यात्मक स्कोर के बजाय मानदंडों की पूरी श्रृंखला के योग के आधार पर छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। एक रूब्रिक छात्रों और शिक्षकों के लिए एक कामकाजी मार्गदर्शिका होती है। रूब्रिक विश्लेषणात्मक या समग्र दो तरह के होते हैं। ये एक प्रारंभिक प्रकार का मूल्यांकन है क्योंकि यह पूरे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का एक सतत हिस्सा बन जाता है। छात्र स्वयं, सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन दोनों के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब अगर रूब्रिक के पहलुओं की बात की जाए तो इसके दो प्रमुख पहलू होते हैं। पहला होता है मानदंडों के सुसंगत सेट और दूसरा पहलू है मानदंडों के प्रदर्शन के स्तर के विवरण। रूब्रिक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वे केवल मूल्यांकन ही नहीं करते हैं बल्कि वर्णनात्मक भी होते हैं। और बेशक रूब्रिक का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका क्रियात्मक सिद्धांत ये बताता है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन को केवल बाह्य रूप से ही नहीं देखा जा सकता बल्कि उसके प्रदर्शन के विवरण से भी मिलान किया जा सकता है। रूब्रिक अच्छा है या बुरा, यह चयनित मानदंडों या प्रदर्शन के स्तर के विवरण पर आधारित होता है। प्रभावी रूब्रिक में उचित मानदंड और प्रदर्शन की के अच्छी तरह लिखित विवरण होते हैं। अब रूब्रिक के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं कि इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, पहला है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना, मानकों और पूर्णता के स्तर की पहचान करना। उसके बाद रूब्रिक मानदंडों के आधार पर पूर्णता का स्तर निर्धारित करना और उचित स्कोरिंग करके छात्र के काम को बारीकी से देखना, यह भी रूब्रिक का उद्देश्य होता है। छात्र के अंतिम परिणामों में सुधार और सीखने में वृद्धि करता है। अब अभी तक आपने जाना कि रूब्रिक क्या होता है, अब इसको बनाते कैसे हैं, कैसे इसका विकास किया जाए, उस पर चर्चा करते हैं। रूब्रिक शिक्षकों को संवाद करने, ध्यान केंद्रित करने और ग्रेड प्रदान करने में मदद करने में बहुत उपयोगी होता है। इसके विभिन्न चरण होते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं और उन चरणों में किस किस चीज़ की बात की जाती है। इसका प्रथम चरण है उद्देश्यों को परिभाषित करना। किसी भी रूब्रिक बनाने में सबसे पहले कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक है और यह पहचानना कि छात्रों को क्या कार्य करना है और क्या सीखना है। सामाजिक विज्ञान का रूब्रिक बनाने से पूर्व आपको निर्णय लेना होगा कि किस प्रकार के रूब्रिक उपयोग करना चाहते हैं।
जो कि आपके लक्ष्यों द्वारा निर्धारित किया जा सके। सीखने के कार्य रूब्रिक बनाने का उद्देश्य निर्धारित करता है, जिसका आकलन किया जाना है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उद्देश्यों में को प्रारंभ से ही अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सके। लक्ष्य निर्धारण के पश्चात रूब्रिक को कितना विस्तृत करना है यह भी निश्चित हो जाता है, और लक्ष्य तक पहुंचने हेतु उसी प्रकार के रूब्रिक का चुनाव किया जाना चाहिए। सीखने के कार्य और रूब्रिक के लिए अपने उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए कुछ विचारों की अति आवश्यकता होती है, यानी कुछ प्रश्न होते हैं जिनके माध्यम से हम कुछ बातें पता कर सकते हैं कि रूब्रिक का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। यही प्रश्न होते हैं जो आपको अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करने और बेहतर करने के तरीकों को परिभाषित करते हैं और आपकी सहायता करते हैं। जैसे कि क्या आप ग्रेट आवंटित करने के लिए रूब्रिक का उपयोग करेंगे, क्या आप प्रतिक्रिया देने के लिए रूब्रिक का उपयोग करेंगे ताकि छात्र अपना प्रदर्शन सुधार सके, क्या एक बहुआयामी परियोजना के लिए रूब्रिक है या एक सरल असाइनमेंट या दत्त कार्य के लिए है, सीखने के परिणाम क्या हैं, कैसे दिखाएंगे कि उन्होंने इन परिणामों से कुछ सीखा है। अब पहला चरण यहीं पे समाप्त होता है कि पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण कर लेंगे। इसके पश्चात आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में रूब्रिक के प्रकार का चयन करना कि हमें किस प्रकार का रूब्रिक बनाना है। अगर हम एक देखें तो रूब्रिक के प्रकारों पर अगर प्रकाश डालें तो देखते हैं कि रूब्रिक दो तरह के होते हैं। पहला है विश्लेषणात्मक रूब्रिक और दूसरा समग्र रूब्रिक। पहला प्रकार है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, ये द्विआयामी रूब्रिक होता है जिसको कि हम तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और जो विश्लेषणात्मक रूब्रिक होता है उसके में जो कॉलम और जो पंक्तियां हम बनाते हैं तो उसमें उपलब्धि के जो स्तर होते हैं वो कॉलम के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो मूल्यांकन मानदंड होते हैं वो पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न मानदंडों के लिए अलग अलग अंक इंगित कर और समस्त मानदंडों का योग करके समग्र उपलब्धि ज्ञात की जा सकती है। वापस को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम विश्लेषणात्मक रूब्रिक का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात विश्लेषणात्मक रूब्रिक एक सीखने के कार्य के घटकों को तोड़ता है जिसमें छात्रों को प्रत्येक घटक पर प्रतिक्रिया मिलती है। आमतौर पर प्रत्येक घटक व्यक्तिगत रूप से स्कोर किया जाता है और बाद में उन स्कोर को का कुल योग किया जाता है। यह मानक ग्रिड रूब्रिक है जिसे अधिकांश शिक्षक नियमित रूप से छात्रों के काम का आकलन करने के लिए उपयोग करते हैं, और विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए ये एक श्रेष्ठतम रूब्रिक है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक में सूचीबद्ध किए जाते हैं और प्रदर्शन स्तर शीर्ष पर सूचीबद्ध किए जाते हैं, और ग्रिड के अंदर वर्गों में आम तौर पर प्रत्येक स्तर के लिए स्थान दिया होता है। एक सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए एक रूब्रिक, उदाहरण के तौर पर यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक तरफ हम कुछ मानदंड लिखते हैं, दूसरी तरफ उनको ग्रेड देते हैं, और उन ग्रेड में हम कुछ अंक देकर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि असाधारण था, उसने जो भी कार्य किया उसके एक मानदंड में वो कैसा था। इसको हम इंगित कर सकते हैं कि हमने उदाहरण स्वरूप 4 अंक प्रदान करे तो असाधारण उसको ग्रेड दे सकते हैं, संतोषजनक था तो वो, विकसित था तो वो, और अगर संतोषजनक नहीं था तो उसको असंतोषजनक प्रदर्शन स्तर में शामिल कर सकते हैं। प्रदर्शन स्तर पर प्रतिशत अंक या अक्षर ग्रेड दिए जाते हैं, और अंतिम ग्रेड आमतौर पर अंकों के रूप में उसकी गणना की जाती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा प्रकार रूब्रिक का, जिसे हम कहते हैं समग्र रूब्रिक, और इसको हम एकल मानदंड रूब्रिक भी कहते हैं, और इसको एक आयामी, जिस तरह से हम लोग विश्लेषणात्मक रूब्रिक को बहुआयामी रूब्रिक कहते थे, इसको एकल मानदंड रूब्रिक कहा जाता है। समग्र रूब्रिक का जो प्रयोजन होता है
वह पूर्व निर्धारित उपलब्धि स्तर के आधार पर किसी गतिविधि या आइटम पर प्रतिभागियों को समग्र उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन विवरण पैराग्राफ में और आमतौर पर पूर्ण वाक्यों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। यह रूब्रिक का एक प्रकार है जो बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सटीक रूप से उसका प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। आमतौर पर एक शिक्षक पत्र ग्रेड की एक श्रृंखला या संख्याओं की एक श्रृंखला के रूप में बनाता है और फिर उन प्रत्येक स्कोर के लिए अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। ग्रेडिंग करते समय शिक्षक छात्र के काम को पूरी तरह से पैमाने पर, एक ही पैमाने पर विवरण में मेल खाता है या प्रदर्शित करता है। ये कई सामाजिक विज्ञान के अध्यायों की ग्रेडिंग के लिए उपयोगी है, लेकिन यह छात्र के काम पर विस्तृत प्रक्रिया के लिए स्थान नहीं छोड़ता है। अभी तक हमने द्वितीय चरण की बात की, अब बात करते हैं इसका अगला पद क्या होता है, यानी तृतीय चरण। तृतीय चरण में मानदंड को निर्धारित व परिभाषित किया जाता है। ये वह जगह है जहां आपको इकाई या पाठ्यक्रम के लिए सीखने के उद्देश्य सुनिश्चित करने होते हैं। यहां आपको ज्ञान और कौशल की एक सूची को समझने की आवश्यकता होगी, जिसका कि आपको आकलन करना है। उन्हें समानता के अनुसार समूहों में वर्गीकृत करने और ऐसी किसी भी चीज को हटा दें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत अधिक मानदंड वाले रूब्रिक का उपयोग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आपको अपने कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित करना है और मानदंडों को परिभाषित भी करना है। रूब्रिक मानदंड एक सीखने के कार्य को के व्यक्तिगत तत्व हैं, जिनका कि आप स्वयं ही निर्णय लेते हैं। आवश्यक ज्ञान और कौशल के बारे में सोचकर मानदंड को परिभाषित किया जा सकता है। सीखने के कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का कार्य विश्लेषण करके मानदंडों को परिभाषित किया जाना चाहिए। एक कार्य विश्लेषण एक व्यवस्थित विश्लेषण है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों के कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन इससे पूर्व कुछ प्रश्न फिर से मस्तिष्क में आते हैं कि आपको रूब्रिक के मानदंडों के बारे में सोचने में मदद भी करते हैं। जैसे कुछ ये प्रश्न हैं कि आप छात्रों को आखिर सिखाना क्या चाहते हैं, छात्र कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, कार्य के लिए ज्ञान कौशल और व्यवहार की क्या आवश्यकता है, कार्यों के लिए किन पदों की आवश्यकता है, अंतिम उपलब्धि की विशेषताएं क्या हैं। जब आपके पास संगठित सूची हो तो प्राथमिकता वाली वस्तुओं को रखें और अनावश्यक बिंदुओं को वहां से हटा लें। उन्हीं मानदंडों को चुनें जो आपकी निर्देशक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं और विशिष्ट तत्वों पर छात्रों का ध्यान केंद्रित करते हैं। और अंत में ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी सूची की जांच करें कि इसमें अच्छे मानदंड हैं कि नहीं हैं। मानदंडों को चुनने में कोई भी उत्तर सही नहीं है। अधिकांश रूब्रिक में 4 से 8 मानदंड होने चाहिए, परंतु आपके रूब्रिक पर निर्भर करता है कि आप कितने मानदंड रखते हैं, यानी कम से कम 4 मानदंड और अधिक से अधिक 8 मानदंड रखने पर ही एक उचित रूब्रिक बन सकता है। आपके द्वारा चुने गए मानदंड सीखने के लक्ष्यों और कार्यों के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। अगर हम मानदंडों की विशेषताओं की ओर प्रकाश डालें तो विशेषताएं होती हैं उनकी कि जैसे वो जो मानदंड आपने बनाए हैं वो अवलोकनार्थ होने चाहिए, मापनीय होने चाहिए, महत्वपूर्ण और आवश्यक होने चाहिए, और जो अन्य मानदंड आपने बनाए हैं उनसे भिन्न होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। तो अब हम आते हैं चतुर्थ चरण की तरफ कि जब हम रूब्रिक बनाते हैं तो उसका अगला पद क्या होगा। यानी कि चतुर्थ चरण में हम ये प्रस्तुत करते हैं कि प्रदर्शन का स्तर क्या होना चाहिए, यानी प्रदर्शन के स्तर का निर्धारण करते हैं। एक बार व्यापक स्तर निर्धारित करने के बाद, जिसमें आप छात्रों की निपुणता का प्रदर्शन करना चाहते हों, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप प्रत्येक स्तर में निपुणता के आधार पर किस प्रकार के स्कोर निर्दिष्ट करना चाहते हैं।
अधिकांश रूप से जब रेटिंग स्केल में जो हम शामिल करते हैं, जो स्केल बनाते हैं, उसमें 3 से लेकर 5 स्तर तक शामिल होते हैं। कुछ शिक्षक संख्याओं और वर्णनात्मक लेबलों का संयोजन करते हैं, जैसे असाधारण, संतोषजनक जैसे लेबल रख लिए जाते हैं उसमें, जबकि कुछ शिक्षक प्रत्येक स्तर के लिए संख्याओं, प्रतिशत, पत्र कोड या 3 में से किसी भी एक का संयोजन करके भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। समझने में आसानी के लिए आप उन्हें उच्चतम से निम्नतम या निम्नतम से उच्चतम की तरफ व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा की कि 4 चरण क्या थे। अब आते हैं कि रूब्रिक के निर्माण में जो इसका 5वां चरण होता है वो क्या होता है। 5वें चरण में रूब्रिक के प्रत्येक स्तर का प्रदर्शन या वर्णन लिखना होता है। रूब्रिक बनाने के अंतिम चरण में प्रत्येक पैमाने बिंदु के लिए विवरण यानी जो प्रदर्शन वर्णन करता होता है वो लिखना पड़ता है। एक रूब्रिक बनाने का ये सबसे कठिनतम स्तर होता है, कठिन कदम होता है। लेकिन यदि आपको अच्छे वर्णनकर्ताओं की विशेषताएं याद हैं तो आप अपने स्वयं के रूब्रिक के लिए अच्छे वर्णन लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक मानदंड के लिए प्रत्येक प्रदर्शन स्तर के नीचे अपनी अपेक्षाओं के संक्षिप्त विवरण लिखने होंगे। विवरण विशिष्ट और मापन योग्य होना चाहिए। भाषा की समझ में मदद करने के लिए भाषा समानांतर होनी चाहिए और मानकों को पूरा किया जाना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। देखिए, आपकी जहाँ पे आप मानदंडों को परिभाषित करते हैं ये उसकी चर्चा हो रही कि ग्रिड के बीच में जब आप उसका विवरण लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखें कि वो कॉलम में ठीक से आ भी जाए और उसको अच्छी प्रकार से परिभाषित भी किया जा सके। तो ये हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम रूब्रिक का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रूब्रिक के लाभ क्या होते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं इससे। जब हम रूब्रिक के लाभ की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के काम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और उनसे क्या अपेक्षित है के आधार पर उनके प्रदर्शन में सुधार करता है। दूसरा, छात्रों को अपने काम की गुणवत्ता का बेहतर निर्णायक बनने में सहायता करता है। मूल्यांकन को अधिक उद्देश्यपूर्ण व सुसंगत बनाता है। शिक्षक को अपने मानदंडों को स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षकों को छात्र के काम का मूल्यांकन करने में समय बचाता है। शिक्षक को अनुदेशन की प्रभावशीलता के बारे में उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। रूब्रिक का प्रयोग एवं व्याख्या करने में सरल होते हैं और ये विद्यार्थियों की मदद करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रूब्रिक का निर्माण कैसे किया जाए, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।